नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल सक्सेस गुरु मंत्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं जिद्दी जी को, श्रीम शर्मा जी को, कुप्रीप कलाम जी को, तुलसी जी को, प्रांजल जी को, नाहिता जी को, पॉजिटिव लाइफ जी को, श्रीम शर्मा जी, दीपाली यादव जी, सीमा सोनी जी, मोहिनी कुमारी जी, मिंटू जी, अंतिम बाला जी, रिद्धिका जी, पूर्वा महेश्वरी जी, संजय कुमार जी, सीमा सोनी जी, आप सभी को, पूजा तिवारी जी को, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहती हूँ आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए। ठीक है, अपना साथ बनाए रखिएगा। थोड़ा सा रीति काल बोरिंग है और थोड़ा पूछा भी इधर से कम जा रहा है, तो इसलिए आप लोगों का शायद मन नहीं लग रहा है। अगले वीडियो में हमारा आधुनिक काल शुरू हो जाएगा, गद्य साहित्य, वहाँ से आप लोग ज़रूर ध्यान दे के पढ़िएगा। ठीक है, आज का वीडियो भी ये आप पढ़ेंगे तो आपके लिए अननेसेसरी है, लेकिन मेरे हिसाब से आप लोगों को भले ही ज़्यादा प्रश्न नहीं पूछे जाते लेकिन एक बार सुन लेना चाहिए। सुनने से जो इसकी खास खास बातें हैं वो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में रह जाएंगी, जो आपकी परीक्षा में उपयोगी सिद्ध होंगी। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज बात करते हैं हम बाबा दीनदयाल गिरी जी की। ये गुसाई, इनका जन्म शुक्रवार बसंत पंचमी संवत 1859 में काशी के गायघाट मोहल्ले के एक पाठक के कुल में हुआ था। जब ये 5 या 6 वर्ष के ही थे तभी इनकी माता पिता इन्हें महंत कुसागिरी को सौंप चल बसे, अर्थात मृत्यु को प्राप्त हुआ। महंत कुसागिरी पंच पड़ोसी मार्ग में पड़ने वाले देहली विनायक के स्थान के अधिकारी थे। काशी में महंत जी के और भी कई ये विशेषता गाय घाट वाले मठ पे रहा करते थे। जब महंत कुसागिरी जी के मरने पर बहुत सी जायदाद नीलाम हो गई तब देहली विनायक के पास मठोली गांव वाले मठ में रहने लगे। बाबा जी संस्कृत और हिंदी दोनों के अच्छे विद्वान थे, पर बाबू गोपाल चंद्र गिरधर दास से इनका बड़ा स्नेह था। गोपाल चंद्र गिरधर दास आपको याद आ रहे होंगे, भारतेंदु जी के पिताश्री, है ना, उनसे इनका बड़ा स्नेह था। इनका परलोक हुआ संवत 1915 में हुआ। ये अत्यंत सहृदयी और भावुक कवि थे। इनकी सी अन्योक्तियाँ हिंदी के किसी और कवि की नहीं हुई। यद्यपि इन अन्योक्तियों के भाव अधिकांश संस्कृत से लिए हुए थे, पर भाषा शैली की सरसता और पद विन्यास की मनोहरता के विचार से वे स्वतंत्र काव्य के रूप में हैं। बाबा जी की भाषा पर बाबा जी का भाषा पर बहुत ही अच्छा अधिकार था। इनकी सी परिष्कृत, स्वच्छ और सुव्यवस्थित भाषा बहुत थोड़े कवियों की है। कहीं कहीं पर कुछ पूर्वीपन या अव्यवस्थित वाक्य मिलते हैं, पर बहुत कम। इसी से इनकी अन्योक्तियाँ इतनी मर्मस्पर्शनी हुई हैं। इनका अन्योक्ति कल्पद्रुम हिंदी साहित्य का एक अनमोल वस्तु है। अब यहाँ पे इनका नाम तो आपको याद ही रखना पड़ेगा, अन्योक्ति कल्पद्रुम किसकी रचना है ये आपको याद रखना पड़ेगा, पूछा जा सकता है। अन्योक्ति के क्षेत्र में वे कवि की मार्मिकता और सौंदर्य भावना के स्फुरण का बहुत अच्छा अवकाश रहता है, पर इसमें अच्छे भावुक कवि ही सफल हो सकते हैं। लौकिक विषयों पर तो इन्होंने सरल नियुक्तियाँ कही हैं, अध्यात्म पक्ष पर भी ये तो रहस्यमय युक्तियाँ इनकी हैं। बका जैसा कोमल व्यंजक पद विन्यास पर अधिकार था, वैसा ही शब्द चमत्कार आदि के विधान पर भी। यमक और श्लेषमयी रचना भी इन्होंने बहुत सी की है। जिस प्रकार ये अपनी भावुकता हमारे सामने रखते हैं उसी प्रकार चमत्कार कौलिसल दिखाने में भी नहीं चूकते। इससे ज़्यादा नहीं कहते बनता कि इनमें कला पक्ष प्रधान है हृदय पक्ष, या ये कहते ही नहीं बनता है कि इसमें कला पक्ष प्रधान है या हृदय पक्ष। बड़ी अच्छी बात इनमें यह है कि इन्होंने दोनों को प्रायः अलग अलग रखा है। अपनी मार्मिक रचनाओं के भीतर इन्होंने चमत्कार प्रवृत्ति का प्रवेश प्रायः नहीं होने दिया है। अन्योक्ति कल्पद्रुम में के आदि में कई श्लिष्ट पद आए हैं, मतलब शुरुआत में, पर बीच में बहुत कम। इसी प्रकार अनुराग बाग में अधिकांश रचना शब्द वैचित्र्य से मुक्त है। यद्यपि अनुप्रास युक्त सरल कोमल पदावली का बराबर व्यवहार हुआ है, पर जहाँ चमत्कार का प्रधान उद्देश्य रखकर ये बैठे हैं वहाँ श्लेष, यमक
अंतार लिपिका, बहिर लिपिका सब कुछ मौजूद है। सारांश ये है कि एक बहुरंगी कवि थे। रचना की विविध प्रणालियों पर इनका पूर्ण अधिकार था। इतनी पुस्तकों का पता चलता है, आइए देख लेते हैं। अनुयोक्ति कल्पद्रुम 1912 में लिखी थी, अनुराग बाग 1888 में, वैराग्य दिनेश 1909 में, विश्वनाथ नवरत्न और दृष्टांत तरंगे। ठीक है, इनके सन आपको याद करने की जरूरत नहीं है, रचना एक बार देख लीजिएगा। इस सूची के अनुसार इनका कविता काल 1889 से 1912 तक माना जा सकता है। अनुराग बाग में श्री कृष्ण की विविधा लीलाओं का बड़े ही ललित कवित्वों में वर्णन हुआ है। मालिनी छंद का भी बड़ा मधुर प्रयोग हुआ है। दृष्टांत तरंगिणी में नीति संबंधी दो है। विश्वनाथ नवरत्न में शिव की स्तुति है। वैराग्य दिनेश में एक ओर तो ऋतुओं आदि का शोभा का वर्णन है और दूसरी ओर ज्ञान और वैराग्य आदि का। इनकी कविता के कुछ नमूने दिए जाते हैं। केतो सोम कला करो, करो सुधा को दान, नहीं चंद्रमणि जो द्रवे, यह तेलिया पखान। यह तेलिया पखान बड़ी कठिनाई जाकी, टूटी या के शीस बीस बहु बाकी टाकी। बरने दीन दयाल चंद तुम ही चित चेतो, क्रूर न कोमल हुई कला जो कीते केतो। बरखे कहाँ पयोद इतिमानि मोद मनमाही, यह तो ऊसर भूमि है उंक अंकुर जमिए नाही। अंकुर जमिए नाही बरस सत जो दल जल दीजिए, गरजे तरजे कहाँ वृथा तेरो श्रम जय है। परने दीन दयाल न ठौर खुटौरे परखे, नाहक गाहक बिना बलाहक यहाँ तू बरखे। अब देखिएगा बहुत सारा है, ज़्यादातर पूछा नहीं जाता है, आप लोग भी इसको ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे, इसलिए मैं इसको आगे बढ़ा दे रही हूँ, काफ़ी सारे दिए गए। अब बात कर लेते हैं पचनेश जी की। ये पन्ना के रहने वाले थे, इनका कुछ विशेष वृत्तांत प्राप्त नहीं है। कविता काल इनका संबंध 1900 के आसपास माना जा सकता है। ठीक है, कविता काल क्या है, 1900 के आसपास। कोई पुस्तक तो इनकी नहीं मिलती, पर इनकी बहुत सी फुटकल कवित्त संग्रह ग्रंथों में मिलती हैं और लोगों के मुंह से सुनी जाती हैं। इनका स्थान ब्रजभाषा के प्रसिद्ध कवियों में ठाकुर शिव सिंह जी ने मधुर प्रिया और नखसिख नाम की इनकी दो पुस्तकों का उल्लेख किया है, पर अभी नहीं मिलती है। भारत जीवन प्रेस से इनकी फुटकल रचनाओं का एक संग्रह पचनेश प्रकाश के नाम से प्रकाशित किया गया है, जिसमें 127 कवित्त सवयें हैं। इनकी कविताओं को देखने पर ये पता चलता है कि ये फारसी भी जानते थे। एक सवैया में इन्होंने फारसी शब्द और वाक्य भरे हैं। इनकी रचना श्रृंगार रस की ही है, पर उसमें कठोर वर्णों जैसे टा ठ ड का व्यवहार यत्र तत्र बराबर मिलता है। मतलब कहीं ना कहीं टा ठ ड का प्रयोग भी इन्होंने करा है, जबकि ये कठोर वर्ण माने जाते हैं और ज़्यादातर इसको जो वीर रस की कविताएं होती हैं या ओजपूर्ण होती हैं वहाँ प्रयोग किया जाता है। ये प्रतिकूल वर्णन की परवाह कम करते थे, पर इसका तात्पर्य ये नहीं है कि कोमल अनुप्रास युक्त ललित भाषा का व्यवहार में नहीं है। पद विन्यास इनका अच्छा है। इनके फुटकल कवित अधिकतर अंग वर्णन, जिससे अनुमान होता है कि इन्होंने कोई नखसिख लिखा होगा। कविताएं इनकी पुस्तकें तो मिली नहीं है, उसी से अनुमान किया जा सकता है। शब्द चमत्कार पर इनका ध्यान विशेष रहता था, जिससे कहीं कुछ भद्दा पर आ जाता था। चेहरे छबील छटा छूट छिति मंडल पे, उमग उजेरो महाओज उचबक्सी, कवि पजनेस कंज मंजुल मुखी की ज्ञात, उपमा अधिकात कल कुंदल कुंदन तबकसी, फैली दीप 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 दीपति दीपति जाकी, दीप मालिका की रही दीपक दबक से, परत न ताब लखी मुख महताब, जब निकस सिताब आवताब की भगवती सी। अब चलिए बात कर लेते हैं गिरधरदास जी की, बहुत अच्छे से जान रहे होंगे आप इनको। ये भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र के पिता और ब्रजभाषा के बहुत ही प्रौढ़ कवि थे। इनका नाम तो बाबू गोपाल चंद था, पर अपनी कविता में ये उपनाम गिरधरदास या गिरधार या गिरधरन रखते थे।
भारतेंदु ने इनके संबंध में लिखा है कि जिन श्री गिरधर दास कवि रचे ग्रंथ 40, ये लिखा है भारतेंदु दास जी ने, भारतेंदु जी ने अपने पिता जी के बारे में। ध्यान रखिएगा ये पंक्तियाँ, जिन श्री गिरधर दास कवि रचे ग्रंथ 40। इनका जन्म पौष कृष्ण 15 संवत 1890 को हुआ था। इनके पिता काले हर्षचंद, जो काशी के एक बड़े प्रतिष्ठित रईस थे, किसके पिता, गिरधर दास जी के, उन्हें 11 वर्ष की अवस्था में ही छोड़कर परलोक सिधार गए थे। इन्होंने अपने नीच के परिश्रम से, खुद ही परिश्रम करके, मतलब संस्कृत और हिंदी में बड़ी स्थिर योग्यता प्राप्त की और पुस्तकों का एक बहुत अनमोल संग्रह किया। पुस्तकालय का नाम इन्होंने सरस्वती भवन रखा था, इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा, इनके पुस्तकालय का नाम सरस्वती भवन था, जिसका मूल्य स्वर्गीय डॉक्टर राजेंद्र लाल मित्र ने 1,00,000 रुपया तक दिलवाते थे। मतलब वो उस पुस्तकालय को उस समय पर 1,00,000 रुपया तक दिलवा रहे थे डॉक्टर राजेंद्र लाल मित्र जी। इनके यहाँ उस समय विद्वानों और कवियों की बड़ी मंडली बराबर जमी रहती थी। इनका समय अधिकतर काव्य चर्चा में ही जाता था और इनका परलोकवास 1917 में। भारतेंदु जी ने इनके लिखे 40 ग्रंथों का उल्लेख किया है, जिसमें बहुतों का पता नहीं है। भारतेंदु के दोहित्र हिंदी के उत्कृष्ट लेखक श्रीयुत बाबू ब्रज रत्न दास जी, जिन्होंने अपनी देखी हुई इन 18 पुस्तकों के नाम इस प्रकार थे, देख लीजिए, याद करना पड़ेगा आपको, जरासंध बंध का महाकाव्य, भारती भूषण, भाषा व्याकरण, रसरत्नाकर, ग्रीष्म वर्णन, मत्स्य कथामृत, वराह कथामृत, नरसिंह कथामृत, वामन कथामृत, परशुराम कथामृत, राम कथामृत, बलराम कथामृत, कृष्ण चरित्र, बुद्ध कथामृत, कल की कथामृत, नहुष नाटक, नहुष नाटक तो बहुत प्रसिद्ध है, गर्ग संहिता, कृष्ण चरित्र के दोहे में चौपाइयों में बड़ा ग्रंथ और एकादशी महात्म्य। इसके अतिरिक्त भारतेंदु जी के एक नोट के आधार पर स्वर्गीय बाबू राधा कृष्ण ने इनकी 21 पुस्तकों का और उल्लेख किया है। वो कौन सी थी, आइए देख लेते हैं, वाल्मीकि रामायण, एक सेकेंड, सातों कांड पद्यानुवाद में थे, इसके अलावा छंदार्णव, नीति, अद्भुत रामायण, लक्ष्मी नक्षिक, वार्ता संस्कृत, ककारा दिस सहस्त्र नाम, गया यात्रा, गयाष्टक, द्वादश कमल कीर्तन, संकर्णाष्टक और धनुजार स्त्रोत, गोपाल स्त्रोत, भगवत स्त्रोत, शिव स्त्रोत, श्री राम स्त्रोत, श्री राधा स्त्रोत और रामाष्टक और कलीय कालाष्टक। ठीक है, ज़्यादातर स्त्रोत देखिए इन्हीं में मिले हैं, है ना, ज़्यादातर स्त्रोत जो हैं उसकी रचना इन्होंने ही की है। इन्होंने दो ढंग की रचनाएं की हैं, गर्ग संहिता आदि भक्ति मार्ग की कथाएं तो सरल और साधारण पद्यों में कही हैं, पर काव्य कौशल की दृष्टि से जो रचनाएं की हैं वो हैं जैसे जरासंध वध, भारती भूषण, रसरत्नाकर, ग्रीष्म वर्णन, ये यमक और अनुप्रास आदि से इतनी लदी हुई हैं कि बहुत से स्थलों पर दुरूह हो गई हैं। सबसे अधिक इन्होंने यमक और अनुप्रास का चमत्कार दिखाया है। अनुप्रास और यमक का ऐसा विधान जैसा जरासंध वध में है वैसा कहीं नहीं मिलेगा, ये भी इम्पोर्टेंट हो रहा है, ध्यान रखिएगा। जरासंध वध अपूर्ण है, केवल 11 सर्गों तक लिखा गया है। ठीक है, अपूर्ण कवि जो ग्रंथ होते हैं उनको पूछ लिया जाता है, इनका जरासंध वध अपूर्ण है जो केवल 11 सर्गों तक लिखा गया है, पर अपने ढंग में अनूठा है। जो कविताएं देखी गई हैं उनसे यही धारणा होती है कि इनका झोंका चमत्कार की ओर अधिक था। रसात्मकता इनकी कविताओं में वैसी नहीं पाई जाती। 28 वर्ष की आयु पाकर इतनी अधिक पुस्तकें लिख डालना पद्य रचना का अद्भुत अभ्यास सूचित करता है। इनकी रचना के कुछ नमूने नीचे दिए जा रहे हैं, जाते हैं, चलिए देख लेते हैं। जरासंध वध से चल्यो दरद जेही फरद रच्यो विद मित्र दरद हर सरद सरोह रूप बदन जाचगन बरद मरद पर
लसत सिंह संग दुरह नरद दिस दुरद अरद कर निरक होति अरिदर सरद हरद जम जरद कांतिधर कर करद करत बेपरद जब गरत मिलत बपुगाज को रन जुआ नारद वृत्त नप लस्यों करद मगध महाराज को। देख लीजिएगा इतना अरद करद आएगा तो आप पहचान लेंगे, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं द्विज देव की। इनका नाम था महाराज मानसिंह। ये अयोध्या के महाराजा थे और बड़ी ही सरस कविता करते थे। रीतियों का वर्णन इनके बहुत ही मनोहर है। इनके भतीजे भुवनेश जी श्री त्रिलोकीनाथ जी जिनसे अयोध्या नरेश ददुआ साहब के राज्य के लिए अदालत हुई थी ने द्विज देव की दो पुस्तकें बताई हैं, श्रृंगार बत्तीसी और श्रृंगार लतिका। श्रृंगार लतिका एक बहुत ही विशाल और सटीक संस्करण महारानी अयोध्या की ओर से हाल ही में प्रकाशित हुआ है। इसके टीकाकार हैं भूतपूर्व अयोध्या नरेश महाराज प्रताप नारायण सिंह। श्रृंगार बत्तीसी की भी एक बार छपी थी। द्विज देव के कवित्व काव्य प्रेमियों में वैसे ही प्रसिद्ध हैं जैसे पद्माकर के। द्विज देव की तुलना किससे कर दी गई? पद्माकर से। ब्रज भाषा के श्रृंगारी कवियों की परंपरा में इन्हें अंतिम कवि समझना चाहिए। शुक्ल जी ब्रज भाषा के ध्यान दीजिएगा श्रृंगारी कवियों की परंपरा में अंतिम कवि द्विज देव को मानते हैं। जिस प्रकार लक्षण ग्रंथ लिखने वाले कवियों में पद्माकर अंतिम प्रसिद्ध कवि है, उसी प्रकार समूची श्रृंगार परंपरा में ये इनकी सी सरल और भाव में फुटकल श्रृंगारी कविता फिर दुर्लभ हो गई। इनमें बड़ा भारी गुण है भाषा की स्वच्छता। अनुप्रास आदि चमत्कारों के लिए इन्होंने भाषा भद्दी कहीं नहीं होने दी। ऋतु वर्णनों में इनके हृदय का उल्लास उमड़ पड़ता है। बहुत से कवियों के ऋतु वर्णन हृदय की सच्ची उमंग का पता नहीं देते, बस रस्म सी अदा करते जान पड़ते हैं, पर इनके चकोरों की चहक के भीतर इनके मन की चहक भी साफ झलकती है। एक ऋतु के उपरांत दूसरी ऋतु के आगमन पर इनका हृदय अगवानी के लिए मानो आप से आप आगे बढ़ता था। इनकी कविता के कुछ नमूने दिए जा रहे हैं, चलिए देखते हैं। मिल माधावी अधिक फूल के प्याज विनोद लवा बरसायु करें रचि नाच लतागन तानी बितानी सबे विद चित्त चुरायु करें द्विज देव जु देख अनोखी प्रभा अलिचारण करित गायो करें चिरजीव बसंत सदा द्विज देव प्रसूनन की झरि लायो करें चुरही के भार सूढ़ो सबद सुकीरन की मंदिर त्याज करें अनत कहुना गौन द्विज देव ज्यों ही मधुभारन अपारन सो नेक झूमी झूमी रहे मोगरे मरुद गौन खेल इन नैन निहारो तो निहारू कहाँ सुषमा अभूत छाए रही प्रत भौन भौन चांदनी के भारन दिखात उनियों सो चांद गंधा ही के भारन बहत मंद मंद गौन। काफी सारी दी गई हैं, मैं सारी तो नहीं पढ़ रही हूँ, इनको आप लोग देख लीजिए। यहीं से आपका रीतिकाल समाप्त होता है, ठीक है। रीतिकाल समाप्त होता है। आगे हम बात करेंगे आधुनिक काल के गद्य खंड की, संवत 1900 से 1925 तक की। अब यहाँ से भक्ति काल जितना महत्वपूर्ण था, रीति काल में कुछ कवि ही अधिक महत्वपूर्ण थे, लेकिन आधुनिक काल अब आपको यहाँ से फिर से ध्यान से पढ़ना है। बहुत सी नई बातों का आपको पता चलेगा और कहीं ना कहीं देखिए सिर्फ प्रश्नों के लिए नहीं पढ़ा जाता है, कहीं कुछ जानने की ललक के लिए वो पढ़ा जाता है। और मुझे ये पूरा पता है कि आगे चल के आपको बहुत सी नई नई बातें पता चलेंगी, तो उम्मीद है कि आगे आप ध्यान से देखेंगे और अपने कमेंट्स द्वारा मुझे प्रोत्साहित करते रहेंगे। अपना साथ बनाए रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।